गोड्डा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सचिव रंजन यादव की अगुवाई में GPL सीजन 6 के लिए आगामी 9 फरवरी से तारीख तय की गई। आज स्थानीय गांधी मैदान में टीमों की बोली लगाई गई। कुल 6 टीमों के लिए आज बोली लगी है। खिलाड़ियों के लिए 24 जनवरी को बोली लगाई जाएगी। टीम का चयन अभी होना है और इस उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से उपस्थित जिला क्रिकेट एसोसिएशन से अध्यक्ष भोद्रा साहब, सचिव श्री रंजन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में भाई सुलेमान साहब, मुंबई अभी बोली चल रही है, 18,000 जोरदार तालियों से स्वागत, 18,000 इसे कहते हैं बोली। प्रीमियर लीग ये देखना होगा, 20,000 जरा रुकने वाला कोई नहीं है, 20,000 चलिए बोले, 20,000 4 टीमों का बोली लगा और 4 टीम बहुत ही उत्साह के साथ 20,000 में, और ये बहुत टफ कम्पिटिशन था, कोई भी मालिक दबने वाले नहीं थे, सब जोश खरोश के साथ, और हमें ऐसा उम्मीद था कि अगर राशि और अधिक बढ़ा दी जाती तो मालिक का उत्साह भी उससे ऊपर चल जाता है। इसलिए सभी मालिक को जो उन्होंने टीम जीती है बहुत बधाई हो, और जिस जोश के साथ उन्होंने ये डाक लिया है उसी जोश के साथ GPL को आगे रखें और खेल को बढ़ाएं, खेल की मान बढ़ाएं और सभी गोड्डा के लिए एक युवा नमूना पेश करें खेल के लिए, खेल के मैदान में, क्रिकेट के क्षेत्र में। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार का GPL सीजन 6 धमाकेदार होने वाला है। देखिए, हम लोग जब से GPL स्टार्ट हुआ है, GPL 1 से लेकर अभी तक कम से कम 14 अंडर 14, अंडर 16 और सीनियर में खिलाड़ी का इजाफा हुआ है। अभी आप तरह तरह खिलाड़ी देखते हैं, अच्छे बॉलर देखने पा रहे हैं गोड्डा में, अच्छे बैट्समैन देखने पा रहे हैं, जिसमें राज्य स्तर में उनको जगह मिल रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि आगे हम लोग नेशनल तक इसको ले जाएंगे। जिला क्रिकेट संघ के द्वारा गोड्डा प्रीमियर लीग जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए, उसका आगाज हुआ और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि यहाँ से खिलाड़ी स्टेट लेवल में पहुँचेंगे और हम लोग उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और परफॉर्मेंस उन लोग का अच्छा रहेगा, ये हम लोग को उम्मीद है। कुछ नई टीम आई है और लगातार जो है इसका जो है मतलब लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। गोड्डा जिला क्रिकेट संघ के लिए बड़े ही भाग्य की बात है कि मुंबई से भी टीम यहाँ खरीदने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। इस हर के म्यूजिक की फिल्म में अपना म्यूजिक करती है, वो लोग भी आके यहाँ टीम खरीद रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े ही भाग्य की बात है और उम्मीद है कि हम इसको और भी आगे तक ले जाएंगे ताकि दूर दराज से टीम आकर के यहाँ खरीदे और हमारा क्रिकेट जो है काफी आगे जाए। दर्शक जानना चाहेंगे और खेल प्रेमी यहाँ के जानना चाहेंगे कि इस बार कौन सी नई टीम और कितने टीमों का चयन हुआ है, उनका लिस्ट आप अगर बता देते तो 4 टीमों का जो नया चयन हुआ है, 2 को सुरक्षित रखा गया था, कुल छह टीम यहाँ पर भाग लेगी और इसमें पहले राउंड में गोड्डा रॉयल्स, दूसरे राउंड में प्रज्ञा 11 की टीम सिलेक्ट हुई और तीसरे राउंड में रिलायंस और चौथे राउंड में SR जो कि मुंबई से आई है। जैसा कि हमारे सचिव महोदय भी बता रहे थे कि मुंबई से आई है टीम और बड़े फख्र की बात है और GPL सीजन 6 है ये, और निश्चित तौर पर जैसे मालिकों के बीच में बोली में होड़ लगती है तो लिमिटेशन था 20,000 का, अन्यथा मुझे लग रहा है कहीं लाख तक बोली नहीं चली जाती अगर उसे सुरक्षित नहीं रखा। इस बार नई टीम नई मालिक के साथ और खिलाड़ी तो चिर परिचित अंदाज में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कि जो खिलाड़ी यहाँ पर लीग में खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, उसी को चयनित किया जाएगा, बाहरी खिलाड़ी का यहाँ पर कोई नहीं, इसलिए गोड्डा के लिए यह सुनहरा मौका और सीजन 6 है और 5 में आप लोग गवाह बने हैं और 5 जैसा चला उससे भी बेटर देन मुझे लग रहा है कि जिस तरह मालिकों के में हंगामा था उसी तरह खिलाड़ियों के बीच में भी हंगामा होगा और सारे मालिकों ने अपना कमर कस लिया है और सभी अभी से कहने लगे मेरी टीम जीतेगी GPL सीजन में चैंपियन।